भक्ति कोई करता है धीरे धीरे भक्ति हम आगे बढ़ते हैं। तो तीन स्तर बताए गए हैं भगवान की भक्ति में। जब भक्त भक्ति में परिपक्व हो जाए तो कैसे पता चलेगा कि परिपक्व हुआ है, मैच्योरिटी भक्ति में कब आई है? क्यों बताएं भक्ति में हम कितने मैच्योर हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तीन स्तर है भक्ति में, जैसे समझ। पहला स्तर है जब हमें श्रीमद् भागवतम कथा सुनने में रुचि आए, जब हमें अच्छा लगने लगे, जैसे गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं ना, तो वैसे ही जब कथा सुनने में वो टेस्ट आ जाए, है ना, जब व्यक्ति कथा सुनने लगे भागवतम, जैसे बोले नित्यम भागवत सेविया, तो जब नित्यम भागवत सेविया होने लगे तो पहला स्तर माने कि वहां भी हम भक्ति में कुछ परिपक्व हो रहे हैं, ये होता है पहला स्तर। दूसरा स्तर होता है जब व्यक्ति पहले में तो कथा सुनने लगे, और दूसरा स्तर है जब व्यक्ति कथा कहने लगे, उसको श्रवण कथा कहने भी लगे, वो है दूसरा स्तर। तो दूसरे स्तर पे जैसे व्यक्ति को कथा कहने में भी एक रुचि, कई बार हम कथा सुनते हैं हमें कहने में उतना आनंद नहीं आता, कथा कहना भी हम जब लगे तो यह मैच्योरिटी का दूसरा स्तर। और तीसरा स्तर अब वो क्या तीसरा स्तर भक्त लोग बताते हैं कि दूसरे को कथा बोलने लायक बनाना, ये थर्ड स्तर। मैंने श्री प्रभुपाद कहते हैं प्रीचिंग इज द सेंस, प्रचार ही सार है ना, तो प्रचार ही प्रीचिंग इज द सेंस, तो इसको कैसे समझेंगे हम, जिसको भी हम देखें जब हम प्रचार करते हैं तो हम देखें तो इसी भाव से देखें कि कल ये कथा दे रहा होगा, कल ये भागवतम बोल रहा होगा, ये है। तो जो श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर वर्स है, श्लोक आप लोगों को पता होगा, तब कथा मृतम तब जीवनम कभी भी रीड़ितम कल्म शापम श्रवण मंगलम श्रीमदंतम भुवि गृणन्ति ये भूरिदाजन। श्रीमद् भागवतम जैसे पूरे समस्त वेदिक शास्त्रों में भागवतम को मानते हैं, उसका एसेंस सारा, सभी जो कुछ भी है वो जैसे भागवतम की महिमा बताते हैं, जैसे आप कोई पेड़ है तो पेड़ को आपने जितनी मेहनत करी होगी, जो कुछ भी उसको दिया है, उसके फलस्वरूप पेड़ आया, पेड़ की जड़ में, रूट में, तने में, शाखा में, उसकी पत्ती में, फूल में, जहां जहां जो जो टेस्ट है, रस है ना, छाल उसकी स्किन जो है पेड़ की, उसमें कुछ अलग टेस्ट है, पत्ती में कुछ अलग टेस्ट है कि नहीं, उस सारा टेस्ट अगर आपको एक उसमें चाहिए तो कहाँ मिलेगा? पेड़ की बात है, फल में है। तो जिस तरह से उस फल में उस पूरे पेड़ का एसेंस आ जाता है, उसी तरीके से समस्त वेदिक शास्त्र का सार इसमें आ गया, श्रीमद् भागवतम कल्पतरुर फलम गलितम। गीता कहाँ खत्म होती है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं कं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। हे अर्जुन छोड़ो सब दुनियादारी, ज्यादा टेंशन मत लो, सभी धर्मों को छोड़ दो
और क्या करो, मेरी शरण में लो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं क्या करूंगा, सब पापों खत्म करके सबने खत्म कर दूंगा, डरो मत, मां सुचा है, ठीक है, सब धर्मों को छोड़ दो, एक ही धर्म पकड़ो, मेरी शरण, कैसे करें, भागवतम शुरू होगी वहां से, भागवतम ही सूर्य धर्म प्रवचिता कई टवत्र, सारे फालतू के धर्म इसमें नहीं है, अमल पुराण है, श्रीमद भागवतम पुराणम अमलम, श्रीमद भागवतम क्या है, शुरू में ही बता दिया, वहां जो चीज लास्ट में गीता में आई है कि सब धर्मों को छोड़ एक ही धर्म कर, तो भागवतम वहीं से शुरू हो रही है, भागवतम में शुरुआत से ही सारे धर्म हटा दिए, कोई धर्म नहीं, धर्म कोई और फालतू धर्म है ही नहीं, चाहिए ही नहीं, भागवतम में माने इसके बाद भागवतम में जो कुछ भी आने वाला है, क्या आने वाला है, वो सब शुद्ध भक्ति, भागवतम में और कुछ भी नहीं है सिवाय शुद्ध भक्ति के, है ना, बीच बीच में कुछ ऐसे वैसे दिया है फलश्रुति, ये अध्याय पढ़ने से ये होगा वो होगा, ये बाहर दुकान के बाहर लटकी हुई कैंडी जैसा है, जिसको देख के जो लोग इस तरह से छात्र के ना तो आते जिज्ञासु वो लोग आएंगे, है ना, पर वो किस लिए दिखाया जा रहा है भागवतम में, ताकि ये लोग इसको देख देख के आए और किस में फंस जाए, शुद्ध भक्ति में, शुद्ध भक्ति क्या है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण नवदा, तो भागवतम में गीता कहां से खत्म हुई, गीता खत्म हुई कहां पे, सर्वधर्म प्रत्यज्य, वो धर्म कहां से शुरू हो गया, सारे धर्म निकालो, धर्म प्रोजिता कैटअप से ही भागवतम शुरू हो रही है, आप देख लो सेकंड वर्सन है, यहीं से ही भागवतम शुरू हो रही है, चलती जाएगी 18,000 श्लोक के बाद ये खत्म होगी कहां पे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप, वो कहां लास्ट श्लोक भागवतम का है, जिसमें नाम संकीर्तन, कृष्ण के नाम का कीर्तन, जप कीर्तन संकीर्तन का महिमा बताया गया, समझ में आ रहे, तो अब आप कहेंगे भाई गीता पढ़ी तो समझ में आया कि सब धर्म छोड़ो एक धर्म अपनाओ, वो धर्म समझने के लिए भागवतम में आया, तो भागवतम पूरा पढ़ने के बाद पूरी भागवतम में आप एक थ्रेड है, है ना, पूरी भागवतम में है ना, जिसे कहते हैं ना बेस, कुकिंग जो जानते हो जानते हैं, एक बेस होता है खाने का, साउथ इंडिया में जाओ तो राइस बेस में सब खाना, राइस बेस, खीर भी राइस की हर चीज कहते ना उसे, तो एक भागवतम एक थ्रेड के चलती है चारों तरफ, तो वो थ्रेड क्या है, श्रवण कीर्तन, और लास्ट में उसी पे खत्म हो, तो आपको अब श्रवण कीर्तन अब क्या करूं, चैतन्य चरितामृत शुरू यहीं से होती है कीर्तन से, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च पीएचडी सब, तो एक बार नारद जी जा रहे थे घूमते हुए अपना वीणा लेके, तो उन्होंने देखा कि वृंदावन, पहले तो पूरी जगह घूम के आए और वृंदावन के पास से निकले, तो नारद जी ने देखा कि एक युवती, वो यंग है और वो रो रही है बहुत जोर जोर से, ये कथा आपने सुना होगा, शॉर्ट में सुना था, तो रो रही थी, उसके पास दो व्यक्ति लेटे हुए थे जो कि बूढ़े हो रखे थे, तो रो रही थी, तो नारद जी ने जाके कहा कि हे देवी आप क्यों रो रही हैं, आप कौन हैं, यहाँ वृंदावन में इस तरह से आप रो रही हैं, क्या कारण है, तो बताया कि मैं हूँ भक्ति, मेरा जन्म जो है दक्षिण में हुआ, फिर मैं घूमते घूमते गुजरात आई, गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई, गुजरात में भक्ति के अलावा बहुत कुछ चलता है, कोई है नहीं गुजरात के यहाँ, है ना, तो वहाँ पर मैं बूढ़ी हो गई, फिर वृंदावन में आने के बाद मुझे फिर से मेरा रूप प्राप्त, तो नारद जी कहते धन्य है श्री धाम वृंदावन,
जहाँ पे कलयुग का कहते इतना ये जो हुआ है आपके साथ, ये क्यों हुआ है? कलयुग की वजह से। तो धन्य है वृंदावन कि जिसमें आज भी कलयुग का प्रभाव नहीं है वृंदावन में, है ना। भक्ति आज भी वहां पे यंग है, पर कहते ये दो कौन है? बोले मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। तो ये जो दो मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, इनको अभी युवावस्था नहीं वापस आ रही, तो कैसे हुए? इसलिए मैं रो रही हूँ। तो नारद जी ने कहा भाई वेट करो, मैं सॉल्यूशन लेके आऊंगा। और नारद जी थोड़ा व्यथित होकर इस तरह से घूमते घूमते गए बद्री का आश्रम, वहां पर उनको संकादि मिले सनत सनातन सनंदन सनत कमाल, ब्रह्मा जी के चार पुत्र। तो उनको जब संकादि मिले तो उनका आप इतना चिंतित लग रहे हैं कुछ, तो नारद जी ने सारी बात बताई कि इस तरीके से भक्ति देवी जो है वो कष्ट में है और मैं उसका समाधान कर नहीं पाया, मैं समाधान को ढूंढने के लिए निकला हूँ। और आप तो संकादि के, आपने तो स्वयं संकर्षण से ज्ञान प्राप्त किया, आप बताइए। तो संकादि कहते हैं नारद जी आप कह रहे हैं, अरे आप तो आचार्य हो, आप कह रहे हैं। तो ये सब तो भगवान की लीला है, नारद जी चाहते थे कथा हो इस समय से किया। तो भक्ति नारद जी संकादि कहते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, अरे व्यास देव जब कंफ्यूजन में थे तो आपने उनका कंफ्यूजन सॉल्व किया कि नहीं? व्यास देव को जब कंफ्यूजन हुआ सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने फोन साइलेंट कर दो या ऑफ मत कर दो, क्योंकि भक्त में ऐसे स्रोत में बाधा आती है, प्लीज फोन मत कर दीजिए। ये समय वाला भगवान के लिए है और भगवान को देना चाहिए, तो कृपया अपने फोन मत, फोन तो चलते नहीं गए, तो कृपया प्लीज हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने फोन मत कर दीजिए। हरे कृष्ण, भगवान से बड़े दुनिया में कोई चीज भी नहीं है। हरे कृष्ण। तो संकादिक ने नारद जी कहा कि अरे नारद जी आप तो स्वयं ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं, भगवान के सबसे शुद्ध भक्त हैं, आप कैसे इस बात को नहीं समझ सके, है ना। अरे तो नारद जी कहते भाई ये सब बाद में कहना, पहले सॉल्यूशन बताओ। तो संकादिक कहते हैं अरे नारद जी भागवत सुनाइए, भागवत। तो नारद जी कहते आप हमें सुनाइए पहले। तो नारद जी कहते ऐसा करते हैं कि थोड़ा नीचे चलते हैं और लोग आ जाएंगे, बद्रिकाश्रम में ठंड ज्यादा है। तो संकादि नारद जी नीचे आए हरिद्वार में। हरिद्वार में जब पता चला कि कथा हो रही है, ब्रह्मा जी के पुत्र कथा दे रहे हैं, सुनने वाले भी नारद जी जैसे भक्त हैं, तो कथा तो बहुत हाई लेवल ही होगी। सब लोग आए, बड़े बड़े ऋषि सब सुनने आए। तो वहाँ पे कथा हुई और वहाँ पे भक्ति देवी भी आई, है ना। और भक्ति देवी कहती हैं कि हमें भी जगह दीजिए। तो संकादि कहते हैं कि आप तो भक्तों के हृदय में रहते हैं, तो आप वहीं पे अपना स्थान बनाइए। तो इस तरह से भक्ति देवी ने कथा सुना। तो नारद जी जब ये कथा चल रहा था तो महिमा सुन के कहते हैं कि इस चीज का कोई प्रमाण है क्या? तो कहते हैं प्रमाण में उन्होंने एक और कथा सुनाई। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई पुत्र नहीं होता था। तो वो बेचारे एक दिन किसी फ्रस्ट्रेट होकर जंगल में गए और वहाँ उनको एक साधु मिला। साधु से उन्होंने उनका भी कितना इतना उदास क्यों है तू, तुमने अपनी कष्ट बताया उनको। साधु ने उनको एक फल दिया, उनका इसको अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। उनकी पत्नी थोड़ी अजीब सी थी, उसने ना अजीब से लॉजिक लगाया, आपको पता ही है। अरे पता नहीं फल खा के मैं अगर गर्भवती हो गई तो जब गांव में चोर घुस आएंगे तो पता नहीं मैं भाग पाऊंगी कि नहीं भाग पाऊंगी, है ना। और अगर मैं गर्भवती रहूंगी मैं उठ नहीं पाऊंगी, लेटी रहूंगी तो पता नहीं मेरे नंद कोई मेरा गहना वहना लेके भाग जाए। फालतू के लॉजिक लगा के उसने कहा नहीं ये अच्छा विचार
तो उसने उसकी बहन थी उसी गांव में, तो उससे थोड़ा शेकिंग मीटिंग बना के उसने क्या किया कि वो फल गाय को खिला दिया है ना। और उसने कहा कि ये पद्म पुराण में है महाराज में, तो उन्होंने कहा कि उसे अपनी बहन से कि लेकिन गाय को तो खिला देंगे, लेकिन कुछ समय बाद पति पूछेगा ना कि वो फल खाया था तो उससे रिजल्ट आया कि नहीं आया है ना। तो उसने कहा ऐसा करना तुम ना ऐसे कुछ दिखाते रहना, कुछ अपना ऐसे रूप बना के, और जब मेरा बेटा होगा उसकी बहन भी गर्भ देगी तो मैं दे दूंगी है। तो ऐसे करके उन्होंने सेटिंग कर ली है। तो ये आजकल के टीवी सीरियल में होता है, तो नई बात नहीं, तब से चल रहा है ना। तो उन्होंने वहाँ सेटिंग कर लिया और कुछ समय बाद वो उनका तो उनका बेटा हुआ और उसका नाम था धुंधुकारी ना। तो वो ना इतना उजड़ किस्म का आदमी था, ऐसा कोई पाप नहीं जो वो करे ना, सारे तरह के पाप करता था। और कुछ समय बाद गाय के भी बच्चा हुआ, उसका नाम पड़ा गोकर्ण, क्योंकि वो देखने में तो इंसान जैसा था, कान उसके गाय के थे। उसका नाम क्या पड़ा? गोकर्ण। बोलो गोकर्ण ना। तो गोकर्ण चूंकि वो साधु की कृपा से था तो बहुत बड़ा विद्वान निकला। तो ये जो धुंधुकारी था ये तो इतना परेशान करता था, और इसके पिता ने सोचा यार इससे अच्छा तो ना होता तो अच्छा था। तो वो इसके कष्टों से परेशान होके गोकर्ण ने कहा भाई आप तो जंगल में चले जाओ, ये माया छोड़ दो। तो जंगल में चले गए। अब ये धुंधुकारी से परेशान होकर इसके पिता तो चले गए जंगल। अब धुंधुकारी इतना बर्बाद हो गया, इतना बर्बाद हो गया कि वो उसने तो पहले साफ अपना बेच वेच डाला, और उसके कष्टों से परेशान हुए, उसकी माँ ने भी आत्महत्या कर ली, और वो सात आठ वैश्याओं को लाके घर में रख लिया आराम से, बस पूरा बर्बाद है ना। और कुछ समय बाद क्या हुआ कि वैश्याओं ने सोचा यार ये तो इस तरह से अब पाप और ज़्यादा ही करता जा रहा है, एक दिन इसको या तो राजा पकड़ लेगा या कुछ, फिर हम लोग क्या करेंगे। तो ऐसा करते हैं हम पहले इसको निपटा लेते हैं। तो इन लोगों ने एक दिन उसको रात में सारी वैश्याओं में मिलके धुंधुकारी का क्या कर दिया, रेस्ट इन पीस, उसको खत्म कर दिया है, और उसको ना उसी घर में दबा दिया है ना। हाँ वो लोग अपना घर की संपत्ति लेके चले गए। फिर कुछ समय बाद जो गोकर्ण जी थे वो तो अपना घूमते रहते थे, तो अपने गांव में भी आए ना। तो साउथ इंडिया में एक गांव है उसका नाम ही है गोकर्ण, कोई तो है, तो थोड़ा सोए, फिर कोई आवाज आई, कर कोई नहीं है यार, कुछ परछाई सी दिखी, कुछ आवाज आई, कोई है के गोकर्ण ने कोई तो है। तो गोकर्ण जी ने तुरंत अपने, बहुत बड़े भक्त थे, तुरंत अपने जल से कमंडल से जल लिया और परछाई को फेंक के मारा तो बोलने लगा, कुछ तो उसको रूप देख बोलने लगा। तो कहता गोकर्ण जी मैं तुम्हारा भाई हूँ, धुंधुकारी, मैं यहाँ पे इतने पाप करने की वजह से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है, आप मेरा उद्धार करो, मेरा ऐसे से सब हुआ। तो गोकर्ण जी कहते भाई तुम्हारे लिए तो हम गया में पहले ही करके आ गए श्राद्ध, फिर भी तुम्हें अटके हुए हो। तो अरे क्या श्राद्ध करके आ, मैं यहीं पे अटका हुआ हूँ, और जो भी है आपको कुछ करना पड़ेगा मेरे लिए है ना। तो फिर गोकर्ण जी ने सब गांव के विद्वानों को बुलाया, चर्चा किया, तो सब विद्वान कहते अरे गोकर्ण जी आपसे विद्वान कौन है, है नहीं? आप तो स्वयं सब जानते हैं। तो इस तरीके से वहां पे आकाशवाणी हुई कि गोकर्ण जी भागवतम सुनाइए। तो फिर भागवतम सुनाइए, तो वहां पे भागवतम का गोकर्ण जी ने अरेंजमेंट किया और वहां पे भी भागवत कथा। तो धुंधुकारी से बोला गया कि उसको जो भूत होते हैं ठीक है, जो भूत होते हैं उनको
कहाँ रखी हमने बॉडी देन है ना, कुछ तो एक बांस वहां पे लगाया गया है ना जहाँ कथा हो रही थी, तो बांस में सात गांठें थी है ना। एक दिन की कथा होती थी तो एक बांस की एक गांठ फट जाती थी है ना, तो इस तरीके से वो सात दिन की जब कथा हुई तो सातों गांठें फट गई और ऊपर से एक विमान आया है ना। अब कथा तो सभी सुन रहे थे, अब जब विमान आया तो सब तो अचकित हो गए कि यार ये क्या है। जब विमान आए उसमें विष्णु दूत थे, उन्होंने हिंदू पहले कहा भाई चलो, तो सब लोगों का इसको ले जाए ठीक है, पर थोड़ी देर रुको हमसे बात करनी है। कथा तो हम सब ने सुनी थी, इसको ही क्यों लेके जा रहे हैं आप। तो वो कहते हैं कि इसने जिस तत्परता से कथा सुनी है वैसी किसी ने नहीं सुनी है ना। सुना तो सबने, लेकिन जो इसकी तत्परता उत्सुकता लगन जो थी वो सबसे ज्यादा थी, शुद्ध थी और विश्वास सबसे ज्यादा था, इसलिए इसका ही नंबर आया है। बीजा किसका है अभी बाकियों के बीजे अटक गए, अब हम क्या करें, हमारा बीजा कैसे क्लियर हो भाई है ना। तो विष्णु जी कहते हैं गोकर्ण जी आप ऐसा कीजिए दोबारा से कथा कीजिए। और तो जब गोकर्ण जी ने दोबारा कथा की तो अब तो सबको पता था बीजा कैसे क्लियर होता है। सारे पूरा पूरी भागवतम में एक शब्द है सुश्रुभि है ना, इसको पकड़ के भागवत सुनते हैं, इसका मतलब होता है उत्सुकता उत्साह तत्परता भागवतम की है ना। बिल्कुल मतलब चेतन 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 शिक्षा से ना शून्य आयतम जगत सर्वम गोविंद वैसे हो जाना चाहिए। कथा में जब बैठे तो उस कथा ही है, बाकी पूरा जगत शून्य कुछ नहीं है ना। नहीं कब तो इधर बैठे हैं तीन घंटा की कथा में एक आध घंटा बोल कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है, सात दिन की कथा में एक आध दिन बोल कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है। वो उत्सुकता तत्परता के साथ करेंगे तो वो फायदा मिलेगा। तो जब गोकर्ण जी ने दोबारा कथा करी तो फिर ऐसे वर्णन आता है कि जिस तरीके से भगवान श्री रामचंद्र मूर्ति सबको पूरे अयोध्या वासियों को साकेत लेके गए, उसी तरीके से गोकर्ण जी पूरे गांव वालों को भगवत धाम लेके गए। तो श्रीमद् भागवतम की ये महिमा है, जो भी इसको सुनेगा कहेगा पूरी भागवतम में है यही, कोई किसी को कथा सुना रहा है। अगर आप पूरी भागवतम को फ्लो समझेंगे मैं आपको बताऊंगा अभी है ना, ओवरऑल ऊपर ऊपर से फ्लो उसको कहते हैं बर्ड्स आई है ना, बर्ड्स आई व्यू, जैसे बाज ऊपर से देखते हैं ना, जो हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू, ऊपर से देखना। तो जब आप देखेंगे तो कुछ है नहीं, ये उसको कथा बता रहे वो उसको कथा बता रहे, क्यों, इसी का गुणगान है भगवान कृष्ण की कथा का श्रवण और कीर्तन जगह जगह कहीं भी आप देखे, चाहे किसी का भी करें, चाहे आप भगवान ऋषभ देव की शिक्षाएं ले लीजिए पांचवें स्कंद में, कपिल देव की शिक्षाएं है ना। ऊपर ऊपर से मैं आपको बता दूं पूरे भागवतम में कई सारी चर्चाएं होती हैं और हर चर्चा शुरू होती है एक या दो क्वेश्चन मेन है। पहला क्वेश्चन क्या है, संसार के सभी जीवों के कल्याण के लिए सबसे जरूरी काम क्या है, यही है पूरी भागवतम, शुरुआत यहीं से होगी ठीक है। पूरे भागवतम यही इसी इसको ही ढूंढने में लगे हैं लोग, हम भी तो इसी को ढूंढने में लगे हैं ना। गीता में भी मैंने बताया था ना कि हम जिस दुविधा में फंसे हैं उसी में गीता शुरू होती है, इसलिए गीता हमारे लिए क्या है, रेलेवेंट है। भागवतम में पूरे में क्या हो रहा है, संसार के कष्टों से लोग कैसे बचें, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए कष्ट हमें है कि नहीं है, किसने लोगों को कष्ट है किसी भी तरीके का, बाकी नहीं है बहुत अच्छा। तो जिनको कष्ट है उनके कष्टों के निवारण के लिए भागवतम, इसलिए भागवतम हमारे लिए रिलेवेंट है कि नहीं,
भागवतम में रहना है, बाहर शून्य, भागवतम में हम शून्य हो गए। तो भागवतम में इसी चीज की चर्चा है कि कैसे हमारे सभी जीवों का कल्याण हो। तो जो भी उत्तर में यही आता है, देखिए नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को जब उत्तर बोले तो सभी पुंसा परो धर्म यथो भक्ति यथो उच्चते, वही चीज घूम फिर के श्रवण कीर्तन, भक्ति करना है श्रवण कीर्तन करना है, ठीक है। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को उत्तर में वो भी उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा था, संसार का जीव कल्याण कैसे हो, उत्तर में क्या बोला, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण भगवान भागवत कथा श्रवण, वही चीज, ठीक है। उसके बाद मैत्रेय ऋषि से विदुर ने पूछा यही प्रश्न, संसार के लोग कितने कष्ट में है, मर रहे हैं बेचारे, क्या है उपाय, मैत्रेय श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण कथा श्रवण, ठीक है। पृथु महाराज से चतुर्दश स्कंध में पृथु महाराज ने संकादिकों से पूछा था, उन्होंने वही श्रवण कीर्तन, ठीक है। ऋषभ देव अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं श्रवण कीर्तन, भगवान शंकर प्रचेताओं को शिक्षा दे रहे हैं श्रवण कीर्तन, छठवें स्कंध में अजामिल को क्या बताया, सप्तम कैंटो में सातवें स्कंध में प्रहलाद महाराज को कह ही रहे हैं श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, हर जगह आठवें में नौवें में दसवें में तो है ही तब कथा, है ना, सब जगह घूम फिर के क्या चीज हो रही है। ग्यारहवें स्कंद में नव योगेंद्र निमि महाराज को बता रहे हैं, बारहवें स्कंद में तो कंक्लूजन में दे ही दिया कीर्तन है ही नहीं श्रवण कीर्तन का। तो जो कथा को सुने तत्परता से लगन से उसको क्या मिल सकता है, अभी पता चलेगा कितने लोग तत्परता से सुन रहे हैं। हाँ, प्रेम कुमार तो महान पांच चीजों की तो हम तलाश करने आए हैं, आराध्य भगवान ब्रजेश, इसको बिल्कुल आप पांच चीजें याद रख लो बस, है ना। तो भागवतम पढ़ने से सुनने से कहने से हमें क्या मिल सकता है, प्रेम कुमार तो महान जो सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है भगवत प्रेम, वो हमें इसके बाद साइड में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, है ना, बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट कुछ बना रहे हैं बीच में बहुत सारी चीजें निकलती रहती हैं, है ना। तो वो बहुत सारी चीजें हमारे फायदे के लिए भी हो सकती हैं, हमारे नुकसान के लिए भी हो सकती हैं, है ना। कैसे, जैसे जैसे बताया ना कि फल है, अब जो फल आया तो आप सोचिए यही अल्टीमेट है, खा लिया कच्चा था, तो धीरज रखना है तब वो पकेगा तब तो आपको मिलेगा, ऐसे तो बहुत सारे बाई प्रोडक्ट मिल सकते हैं। इसलिए बार बार बीच बीच में जैसे आप गजेंद्र मोक्ष पढ़ेंगे तो उसमें आएगा गजेंद्र मोक्ष सुनने से ये मिलेगा, प्रथु महाराज का गुणगान सुनने से ये मिलेगा, तो बहुत सारी चीजें बाई प्रोडक्ट में है। तो भगवत प्रेम मुक्ति मिल सकती है, ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, है ना, स्वर्ग मिल सकता है, है ना, वो सारी चीजें मिल सकती हैं। पर हमें क्लियर होना चाहिए कि हम भागवतम क्यों करना है या सुनना है कृष्ण का, है ना, हमारा उद्देश्य है कृष्ण प्रेम, है ना। फिर आपकी जो इच्छाएं होंगी वो सब मिल जाएगा, है ना। ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान का कथा श्रवण कीर्तन भागवतम ना दे सके। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र माने बुरी चीजें, आपके जीवन में जो भी अभद्र चीजें होंगी अशुभ चीजें होंगी इन ऑस्पिशियस जो कुछ भी होगा क्या हो जाएगा, नष्ट, क्या हो जाएगा, खत्म। कैसे, नित्यम भागवत सेवया, भागवत सेवया माने कल हम लेक्चर सुन रहे थे प्रभुपाद जी का तो भागवत सेवया माने दो भागवत होते हैं, एक बुक भागवत एक भागवत व्यक्ति भागवत भक्त भागवत।
ग्रंथ भागवत है और जो इस ग्रंथ भागवत को फॉलो कर रहा है अपने जीवन में वो भक्त भागवत है। तो ग्रंथ भागवत की सेवा करनी है और भक्त भागवत की सेवा करनी है। ग्रंथ भागवत सेवा कैसे कर सकते हैं? सुन के, बोल के, पढ़ के, है ना, जैसे उसकी इच्छा हो पूछ सकते हैं, हाउ कैन आई सर्व यू, ठीक है ना, रिसेप्शन पे हाउ कैन आई सर्व यू, आप डिवोटी को पूछ सकते हैं। कहते हैं कि कोई डिवोटी को प्रसन्न करने का इजीएस्ट, सबसे सरलतम उपाय है उसको प्रसाद खिलाना, है ना। दो तीन जगह भागवतम में भगवान जब बोलते हैं, जैसे कि जब शंकादिका और द्वारपालों का झगड़ा हुआ, कथा आपको उसको पता होगा, तो उस चर्चा में जब भगवान की एंट्री होती है बीच बजाव कराने के लिए, तो भगवान वहाँ कहते हैं कि मैं मेरे जो भक्त हैं उनके मुख से खाता हूँ। भगवान कहते हैं कि जितनी प्रसन्नता मुझे उस अग्नि में आहुति डालने से जो प्रसन्नता नहीं मिलती, वो प्रसन्नता घी से बनाए हुए प्रसाद को मेरे भक्त को खिलाने से मुझे ज्यादा प्रसन्नता मिलती। घी भी बोला है ना, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, घी भी बोला है, ठीक है। ऐसे एक दो जगह और आता है चर्चा, है ना, कि भगवान कहते हैं कि जो जो प्रसन्न, क्योंकि यज्ञ क्या है, यज्ञ अर्थात विष्णु, विष्णु का तो नाम यज्ञ है, है ना। इसलिए आप देखेंगे वहाँ वो वाले गौरी टेम्पल वन में जो चार्ट लगा है ना, उसमें देखेंगे गोलोक चार्ट, अगर आप देखा होगा आपने जिसने, तो उस गोलोक का जो फोटो है या वैकुंठ का जो फोटो है वो हवन कुंड के जैसा है। किसी ने गौर किया इसको? यज्ञ कुंड जैसा है, जैसे स्क्वायर फिर बीच में ऐसे ऐसे करके, जैसे यज्ञ का कुंड बनाते ना, वैसा ही है वो, देखना आप, है ना। तो जब, और वैसे ही होता है, जो लोग जानते होंगे ये यज्ञ करना, उन्हें पता होगा कि जो यज्ञ कुंड बनाया जाता है वो उसी हिसाब से बनाया जाता है, और सेंटर में जब हम आहुति देते हैं तो किसको जा रही है? विष्णु को जा रही है। तो किसकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ होता है? विष्णु की प्रसन्नता के लिए। भगवान ने भागवत में, गीता में कहा है कि मैं कलयुग में कौन सी आहुति से प्रसन्न होता हूँ? नाम संकीर्तन। और जो दो तीन जगह बोला है कि जो उस आहुति में डालने से, उसमें भी घी भी सब डाला जाता है ना, उससे मैं जितना प्रसन्न नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा प्रसन्न में होता हूँ मेरे भक्तों को प्रसन्न। तो नित्यम भागवत सेवा, भगवान जो भागवत है उसकी सेवा और भक्त भागवत की सेवा, कब? नित्यम। श्री प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं नित्यम शब्द को हमेशा, माने निरंतर, कंटिन्यूअसली, है ना, ये करते रहना है कंटिन्यूअसली।